नमस्कार। आपकी समस्याओं का बिना तोड़फोड़ के समाधान करने के लिए एक बार फिर से लेकर हम हाजिर हैं कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर। और आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध वास्तु एवं ज्योतिष विशेषज्ञ संजय जैन जी। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं संजय जैन जी के नंबर्स। आप इस पर कांटेक्ट करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और समस्याओं का समाधान तो आपको निरंतर मिलता रहा है। और अगर आपने अभी अपना टीवी ट्यून किया है तो फिर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर कांटेक्ट कीजिए। आपको बिना तोड़ फोड़ के एक सहज सा उपाय मिलेगा और समस्याएं उड़न छू हो जाएंगी। तो फिर कॉल कीजिए और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कीजिए। आप ही के द्वारा जो मेल्स भेजे गए हैं उसे ले लेते हैं और जानते हैं कि क्या हो सकते हैं उसके सरल से उपाय। हमारे पास जो पहला मेल आया है वो है प्रतिभा सक्सेना जी का है और इन्होंने जो अपनी जन्म तिथि भेजी है वो है 22 अगस्त 1977। जन्म का समय सुबह के 7 बजे का है। भरतपुर राजस्थान से मेल करती हैं। कहती हैं, मैं एक टीचर हूं और मेरा कोर्ट केस चल रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चिंतित हैं कि क्या ये केस जीत पाएंगी या नहीं। प्रतिभा जी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपका जो कोर्ट केस चल रहा है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आपको डिसीजन लेने में आपको चिंता कर रही हैं बहुत ज़्यादा, इसके लिए भी आप परेशान जा रहे हैं। ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका ये कोर्ट केस आप निश्चित रूप से जीतेंगी। अब बाकी इस समय में ऐसा योग नहीं बना हुआ है कि तुरंत आप इसका डिसीजन निकलवाएं और वो लें। अभी कुछ दिन आप तारीखें वगैरह आप तो लेती रहिए और 6 माह के बाद मैं समझता हूँ कि आपको इसमें सफलता मिलेगी, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आपको करना है शनिवार के दिन और रविवार के दिन और सोमवार के दिन केवल एक बार आपको भगवान शंकर के मंदिर में जा करके नारियल को रख के आना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि मुझे जो ये मुसीबतें मिली हुई हैं या मेरे साथ जो भी आने वाले संकट हैं इन पर वो आपको रहम करें। आपको करना क्या है, भगवान शंकर के मंदिर में जा करके 3 दिन तक लगातार सुबह के समय में नारियल चढ़ाना है। और ये दिन जो है शनिवार, रविवार और सोमवार, खासकर इन्हें 3 दिन में चढ़ाना है और एक ही बार चढ़ाना है और भगवान से निवेदन करना है कि आपको जो ये परेशानी आई हुई है ये वो दूर कर दे। लिहाजा इसके अंदर करना, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पानी का सेवन, जो पानी पीते हैं आप उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, इससे भी आपको जो दिमागी परेशानियां उलझन आ रही है वो समाप्त हो जाएगी। जी बिल्कुल सर, आपने प्रतिभा सक्सेना जी को जो उपाय बताया है उपाय तो अच्छे हैं, लेकिन सर आपने कहा कि शनिवार, रविवार और सोमवार को ये भगवान शंकर के मंदिर में जाएं और गोला चढ़ाएं। हो सकता है कि इसमें कंटिन्यूटी न बन पाए, तो उस समय में क्या करना चाहिए? बाई चांस रंजीत जी, अगर इसमें कोई इनको प्रॉब्लम आती है किसी भी तरीके की, तो ऐसा तो है नहीं कि शनिवार, रविवार और सोमवार फिर दोबारा आएगा ही नहीं, वो तो अगले हफ्ते फिर आ जाएगा। अगर बाई चांस कोई इस तरीके की बात दिखाई देती है, ब्रेक हो जाता है, तो आपको शनिवार फिर दोबारा जो है उसमें कंटिन्यूटी बना करके 3 दिन ये गोला चढ़ाना पड़ेगा जी। इससे होता क्या है कि जो हमारे से संबंधित नक्षत्र या जो भी परेशानियां इसमें आए और शनिवार और रविवार इतवार सोमवार में, वो शंकर भगवान का विशेष दिन होता है। बहुत से लोग कहते हैं सोमवार का होता है, मैं कहता हूँ शनिवार और रविवार का भी होता है। जब हमने अपनी गोला वहाँ पर उनको चढ़ाएंगे तो एक किस्म से हम अपने दिमाग के अंदर जो अहम है उसको निकाल करके प्रभु के चरणों में रख देंगे। इतना करने मात्र से ही हमारे अंदर की घबराहट, जैसे गोला होता है, गोले के अंदर होता क्या है, पानी। जब आप उसे फोड़ेंगे तो पानी निकलेगा, पानी होता है ठंडा शीतल। तो ऐसे ही जब हम पूरा गोला ही समर्पित कर रहे हैं तो उस केस में इनको किसी भी तरह की घबराहट, क्योंकि ये घबराहट से ज़्यादा परेशान है, इनको केस में कोई इतना बड़ा पंगा नहीं है, घबराहट से ज़्यादा परेशान है। पहले घबराहट दूर होगी, फिर उसके निश्चित रूप से जो अच्छे परिणाम होंगे वो, और अपने उस केस को सही तरीके से देख पाएंगे। इस केस में हमें करना क्या है, क्या जवाब देना है, क्या नहीं देना है, क्या वकील को समझाना है, तो ये सब चीज़ जब देख पाएंगी तो उससे इनको लाभ होगा और निश्चित रूप से 6 महीने के अंदर अंदर इनके जो ऊपर जो छोटी मोटी बाधाएँ आ रही हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी और जीत जाएंगी। आपके पास भी न्यूज़ आएगी, इनकी खुद ही की मेल आएगी कि जहाँ मैं ठीक हो गई हूँ। जो भी हमारे दर्शक हैं अगर उन्हें लाभ मिलता है वो जरूर रिप्लाई करते हैं जी। लेकिन सर आपने कहा कि शंकर भगवान के मंदिर में जाएं, अगर इनकी इष्ट देव कोई और हो
तो वैसी स्थिति में क्या वहाँ ये जाएं तो इनके समस्याओं का समाधान हो बिल्कुल सर, सकता है? बिल्कुल बिल्कुल आप जा सकते हैं, इसमें ऐसा कोई नहीं है। शंकर भगवान के मंदिर में कोई सक्सेना है, कोई जैन अगर होते तो मैं किसी और मंदिर में भेजता, सक्सेना है और भगवान शंकर को मानते ही होंगे, तो लिहाजा मैं इनको बोल रहा हूँ कि ये शंकर भगवान के मंदिर में जाएं, जी अन्यथा किसी भी जिनको भी ये इष्ट मानते हैं उनके यहाँ भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो प्रतिभा सक्सेना जी, आपने देखा कि क्या करना है, आपको जो उपाय बताए गए हैं उसका पालन कीजिए और जो थोड़ी घबराहट है वो भी आपकी दूर हो जाएगी, बस आपने उपाय करना है। अगला मेल ले लेते हैं। अगला मेल जो आए हमारे पास वो प्रशांत जैन जी का है और घरसाना राजस्थान से मेल करते हैं। जन्मतिथि जो इन्होंने भेजी है वो है 25 मई 1986 और जन्म का समय सुबह के 8 बजे। जॉब से परेशान है और शादी के लिए भी चिंतित हैं। कहते हैं कब तक जॉब लगेगी और कब शादी हो सकती? मतलब ये इनकी जो जॉब है वो जल्दी लगेगी, उसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। जी भगवान पुष्पदंत का, यस सर, जो हमारे जैन है इसीलिए मैं इनको जैन उपाय बता रहा हूँ, जी भगवान पुष्पदंत जी का स्मरण करें और हो सकता है तो एक शास्त्र होता है, शास्त्र जो हमारे यहाँ होते हैं जी जिनवाणी हुई या कोई भी शास्त्र जो भी होता है जी उसके ऊपर कपड़ा लपेटा जाता है सुरक्षित रखने के लिए, जी उस कपड़े का ये किसी भी मंदिर में शास्त्र के कपड़े का खरीदें और वो मंदिर में कहीं पर भी दे दें, किसी भी जैन मंदिर में दे दें, तो इससे इनको जॉब भी मिलेगी और इनकी शादी का भी जल्दी योग बनेंगे और बहुत अच्छे योग बनने की संभावना है और अच्छी शादी होने की संभावना है। जी बिल्कुल। तो प्रशांत जैन जी, आपने देखा कि जॉब के योग बन रहे हैं, साथ ही साथ आपकी शादी जल्द ही होने वाली है। अगला मेल ले लेते हैं, वो है दीपाली जैन जी के यहाँ से आया है। इन्होंने जो अपनी जन्म तिथि भेजी है वो है 9 नवंबर 1973, जन्म का समय सुबह के 9:30, दिल्ली से मेल करती हैं। कहती हैं हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, बुखार कभी चढ़ जाता है कभी उतर जाता है, साल भर से परेशान है, कोई उपाय बताइए। दीपाली जैन जी, जैसा कि आपने बोला है कि आपके यहाँ बहुत दिनों से बुखार कभी चढ़ता है कभी उतर जाता है, आपकी पत्री में छठे स्थान में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। आपको करना क्या है, भगवान किसी भी भगवान के मंदिर में जाकर के कुमी और उसके अंदर वहाँ जाकर दीपक जलाना है। अगर वहाँ पर आपको दीपक जलता हुआ मिल जाए तो उसके अंदर आप घी भी जा सकती हैं, अगर दीपक नहीं भी जा सकती तो घी भी जा सकती हैं। कुल मिलाकर के देसी घी आपका भगवान के किसी भी मंदिर में जाना चाहिए। जैन मंदिर में दीपक भी होते हैं जो अखंड जोत जलती रहती है, उसमें भी आप घी चढ़ा सकती हैं। इतना आपको करना है, 6 डेज 6 दिन करना है और 6 दिन करने के बाद आपको धीरे 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 इसमें आराम आ जाएगा। लिहाजा आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि ये आराम नहीं आएगा, ये छोटा सा बुखार है। और जो छोटा सा भी कोई किस तरह की प्रॉब्लम ग्रहों से संबंधित आ रही है वो इन 6 दिन के दीपक जलाने से आराम आ जाएगा, निश्चिंत रहिए। सर अभी आपने जो बताया कि दीपाली जी मंदिर में 6 दिन तक दिए जलाएं, अगर 6 की जगह 8 हो जाए या 6 ना हो सके तो क्या प्रभाव पड़ सकता है? रंजीत जी, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, 6 दिन छठा घर बीमारी का कारक है जी। और जो चीज़ बीमारी है इनको इस तरह की है, वो परेशानी है, वो बुखार है या कोई बीमारी से संबंधित है, इसीलिए मैं इनको 6 दिन भेज रहा हूँ कि छठा घर जो हमारा है कुंडली के अंदर वो बीमारी का घर होता है। तो यदि ये 6 दिन लगातार वहाँ चढ़ा देंगे दीपक जी, दीपक जलाएंगे या घी चढ़ाएंगे, तो ये जो भी इनकी छोटी मोटी बाधाई है, जो इनकी बीमारी है, हाँ बीमारी है, छोटी मोटी जो बाधाएं हैं, जो इनके स्टार्स की पोजीशन ख़राब नहीं है कुल मिलाकर के, जो ये छोटी मोटी है जो अनसीन है, तो वो इनको जब मंदिर में घी चढ़ाएंगे या घी चढ़ाएंगे या दीपक जलाएंगे तो उससे निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। 8 दिन जब हो चढ़ाते हैं कोई या कोई भी काम करते हैं जब मृत्यु तुल्य कष्ट हो, इनको मृत्यु तुल्य कष्ट कोई नहीं है, इनको तो थोड़ी सी तबीयत ख़राब है और ये ठीक हो जाएगी, कोई इसमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 6 दिन करें और निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल। तो दीपाली जैन जी, आपने जाना कि आपको 6 दिन दिए जलाने हैं और भगवान का स्मरण कीजिए और भी जो उपाय बताए गए हैं उसका पालन कीजिए, निसंदेह आप स्वस्थ हो जाएंगी। लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हम हाजिर होते हैं और जानते हैं आपकी समस्याओं के समाधान। सभी प्रकार के आर्टिफिशियल ज्वेलर्स के निर्माता एवं विक्रेता राज आर्टिफिशियल ज्वेलर्स मेरठ। कॉर्पोरेट इंक्वायरी के लिए संपर्क करें सौरभ जैन 09358075521 09319130800। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर में, और आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध वास्तु एवं ज्योतिष विशेषज्ञ संजय जैन जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बता दें कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं संजय जैन जी के नंबर्स, आप इन पर कॉन्टैक्ट करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आइए आप ही के द्वारा जो मेल्स भेजे गए हैं उनका जान लेते हैं कि क्या हो सकता है समाधान। सर हमारे पास जो अगला मेल आया है वो जितेंद्र शर्मा जी का आया है, और इन्होंने जो अपनी जन्म तिथि भेजी है वो है 11 नवंबर 1984, बुलंदशहर से मेल करते हैं। कहते हैं कारोबार नहीं चल रहा है, बहुत ज्यादा परेशान है, दिमागी उलझन से भी ग्रस्त हैं, कोई सरल सा उपाय बताइए। जितेंद्र शर्मा जी, जैसा कि आपने कहा है कारोबार नहीं चल रहा है, मुझे लगता है मात्र 20-25 दिन से आपका कारोबार नहीं चल रहा होगा। इतनी जल्दी आप निराश मत होइए, क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा थोड़ा सा ज़्यादा वीक है, तो लिहाजा ऐसी कंडीशन में अगर 10 दिन भी आपका काम नहीं चलता तो आदमी निराश बहुत जल्दी होता है। कोशिश कीजिए कि अभी बहुत जल्दी निराश मत होइए, 15 दिन बाद आपका इतना अच्छा काम चलेगा कि आप हमें भी भूल जाएंगे, यही याद नहीं रहेगा कि मैंने किसी से पूछा था कि नहीं पूछा था, क्योंकि आपका जो 15 दिन के बाद समय आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है, और उसमें फिर इस तरीके की परेशानी आपको नहीं आएगी। बस 15 दिन का इंतजार है, बस केवल 15 दिन का इंतजार है। हाँ। और इसके लिए इनको अगर इस 15 दिन भी इनको बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं और लग रहा है कि भाई मेरे को थोड़ा जल्दी कुछ ना कुछ काम चलना चाहिए, तो उसके लिए इनको करना क्या है कि किसी भी मंदिर में जा करके भगवान के दर्शन करें, जो इनकी श्रद्धा हो वो भगवान को चढ़ाएं, उसके बाद वहाँ के जो पानी है वहीं पे कोई पानी मिलता हो तो पानी नल में से पानी लें और उसका सेवन करके आ जाएं, या कोई प्रसाद अगर कोई बांट रहा हो और इनको कोई दे तो वो ले लें। कई बार क्या होता है कि हम लोग मंदिर जाते हैं, हम मंदिर में जाकर के प्रसाद चढ़ाते तो हैं, लोगों को बांटते भी हैं, बाकी कोई हमें अगर देता है तो हम सोचते हैं कि नहीं मने कर दो, प्रसाद है मैं लेना नहीं चाहता। तो इनके लिए ये मैं कहूँगा कि इनको प्रसाद अगर कोई दे, ये चरणामृत जैसे पंडित जी देते हैं वो लें, तो इनको वो लाभ देगा और इनका चंद्रमा और जो बाकी के जो छोटे मोटे ग्रह हैं वो भी इनको लाभ देना शुरू कर देंगे। और जो इनकी सोच है कि ये बड़ा भयंकर मंदा आ गया है, पता नहीं मेरा कारोबार चलेगा, डिप्रेशन में आने को तैयार हो रहे हैं, इस तरीके की बात ये ना सोचें, और इनमें मतलब पॉजिटिव सोचें। मैं बार बार हमेशा अपने प्रोग्राम में बताता हूँ कि लोगों को पॉजिटिव ज्यादा सोचना चाहिए जी, सकारात्मक विचार जब तक हो तो फायदा ही होता है। और उसमें थोड़ा सा जो अड़चनें आ रही हैं ये आपको हम बता ही देते हैं जी, इसको आप कीजिए निश्चित रूप से लाभ होगा। सर आपने जो उपाय बताया इसमें आपने कहा कि कई बार इनके पास प्रसाद होता है और जो मंदिर से प्रसाद मिलते हैं उसे नहीं लेते हैं क्योंकि हमारे पास है, लेकिन प्रसाद तो प्रसाद है, इनका भी वही भगवान पे चढ़ाया और जो मंदिर से मिला प्रसाद, तो जो मंदिर से प्रसाद मिला उसे ग्रहण जरूर करें, तो उसमें ऐसी क्या खास बात है? ऐसी खास बात ये है कि देखो भगवान का जो प्रसाद होता है वो उनका अपने आप में आशीर्वाद होता है। अभी एक मैंने एक जगह देखा कि किसी पंडित जी ने किसी को मतलब किसी व्यक्ति ने किसी को भगवान कृष्ण को फूल चढ़ाए, वो फूल उसका जो कायदा है उसे कहना चाहिए कि पंडित जी ये फूल आप भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब आगे फूल